नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में। और जो खबर मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो बहुत दुखद है। कैप्शन आपने पढ़ा होगा कि पलोड़ा का वो परिवार जो चिनाब दरिया में 26 जुलाई को अपनी गाड़ी के साथ समा गया था और जिनकी तलाश में लगातार ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे थे, तो उनमें जो हमारे पास हाल फिलहाल जानकारी है कि राकेश कुमार जो हैं उनकी धर्मपत्नी जो थी उनका शव जो है वो बरामद हुआ रियासी से। इस समय की सबसे दुखद खबर ये है कि उनकी धर्मपत्नी का जो शव है आशा रानी वो बरामद हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो है वो अभी इसको लेकर बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन हमारी जो पुलिस सूत्रों से बात हुई है तो उन्होंने अनऑफिशियली ये कन्फर्म किया है कि ये शव RPF के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार की धर्मपत्नी आशा रानी का है। हाल फिलहाल उसे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अस्पताल लेकर जाया गया है और बहुत जल्द इस पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस समय की सबसे दुखद खबर है और शायद ये खबर मुझे आपको सुनाते हुए भी सिरहन हो रही है, इतनी ज़्यादा जो दर्द है इस समय कि एक पूरा परिवार जो था वो एक सड़क हादसे का शिकार होता है और फिर इस प्रकार से एकाएक सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ रिकवर नहीं हुआ है। ये जो हादसा हुआ था ये 26 जुलाई को मेहर में हुआ था, रामबन में। उसके बाद चिनाब जो था वो उफान पर था। संभावना यही थी कि उस स्पॉट पर तो कुछ रिकवर नहीं होगा, केवल एक स्कूल बैग मिला था, दो बच्चे भी उनके साथ थे। सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार खुद गाड़ी में थे, गाड़ी चला रहे थे जिस प्रकार की जानकारी है। और वहाँ से बहाव में बहते हुए रियासी जहाँ पर ये सलाल प्रोजेक्ट है उसे फ्लश आउट किया गया, वाटर लेवल वहाँ पर कम हुआ, तो उसके बाद आज जो है ये बॉडी जो है ये रिकवर हुई है। ऑफिशियल वर्जन इस पर नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन पुलिस सूत्रों ने यही कंफर्म किया है कि ये राकेश कुमार की धर्मपत्नी आशा रानी है। और इसके साथ ही बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जो माहौल है इस समय यहाँ का वो पूरा एक बार फिर से गमगीन हो गया है, क्योंकि लगातार सर्चिस वहाँ पर चल रही थी। परिवार जो है वो पहले से ही दर्द में है, लेकिन जब ये शव बरामद हुआ और जब इसकी जानकारी मिली तो हम भी पहले इस बात को लेकर दुविधा में थे कि क्या एक बार फिर से उनके परिवार वालों को ये एक मानसिक जो पीड़ा है वो दी जाए या नहीं। लेकिन क्योंकि खबर है और आपको दिखाना ज़रूरी है तो मैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से, जम्मू लिंक्स न्यूज़ की तरफ से इस आत्मा को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुखद हादसा था, भगवान दोबारा किसी के साथ ऐसा दुखद हादसा जो है वो पेश ना आने दे। तो हाल फिलहाल यही अपडेट है कि उनकी धर्मपत्नी आशा रानी की जो बॉडी है वो रिकवर हुई है, 5 दिनों बाद ये रिकवरी हुई है और हाल फिलहाल शव को जो है वो अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है। नमस्कार।